अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद रफ़ी, राणा रफ़ी फार्म फैसलाबाद से। आज एक ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम किया गया था हमारे फार्म के ऊपर उस्ताद फरहान साहब की ज़ेर निगरानी में। उस्ताद फरहान साहब की आमद का इंतज़ार है, कुछ मेहमान आए हुए हैं और हम उनके इंतज़ार में इस वक्त खड़े हैं। मैं अपने साथियों के साथ उनको वेलकम करूँगा। कुछ साथी उस्ताद फरहान साहब के साथ स्टेज पे मुलाकात कर रहे हैं और अब उस्ताद फरहान साहब अपने लेक्चर के लिए आ गए हैं। तकरीबन आधे पौने घंटे का उस्ताद फरहान साहब का लेक्चर हुआ, उसके बाद सवाल जवाब का सेशन हुआ और उसके बाद हम फिर उस्ताद फरहान साहब और तमाम साथियों को फार्म के अंदर विज़िट के लिए लेके जाएंगे। हम सब साथी बकरियों के मेन हर्ड के पास आ गए हैं और तमाम साथी बकरियां देखकर अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं और सब इसी बात में मशगूल हैं। तकरीबन चारों तरफ सारे साथी खड़े हैं और बकरियों को देख रहे हैं, बकरियां अपने चारा खाने में मसरूफ़ हैं। इसके बाद मैं तमाम मेहमानों को और उस्ताद फरहान साहब को अपने मेन गाय भैंसों के शेड की तरफ लेके आ रहा हूँ। मैं उनको बता रहा हूँ कि ये मेरे राइट लेफ़्ट बच्चों के शेड हैं और इसके आगे ये अब फीडिंग टेबल पे हम आ गए हैं। उस्ताद फरहान साहब हमारे शेड की सफाई देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने हमें मज़ीद भी कुछ मशवरे दिए, क्योंकि उस्ताद फरहान साहब का एक वसी तजर्बा है जानवरों के बारे में और उन्होंने मुझे गाय भैंसों के मतलब भी काफ़ी सारे मशवरे दिए। अब मैं उस्ताद फरहान साहब को और मेहमानों को कच्चे बाड़े की तरफ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि भैंसे बाहर धूप में बैठी हुई हैं और उस्ताद फरहान साहब बहुत खुश हुए हमारी भैंसें देखकर, क्योंकि हमारे पास भैंसों की एक अच्छी ब्रीड है। तमाम दोस्तों और उस्ताद फरहान साहब को फार्म का विज़िट मुकम्मल करवाने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं। तमाम दोस्तों का और उस्ताद फरहान साहब का बहुत शुक्रिया।